सो हेलो गाइज, वेलकम टू स्टूडियो 9 एडिट यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं कुछ स्टेप का फोटो एडिटिंग। सो गाइज, प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप करके बताने वाला हूँ। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ ही साथ बेल आइकन पर भी क्लिक कर लीजिए ताकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो डालूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो गाइस, सबसे पहले आपको फोटोशॉप ओपन कर लेना है, और आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने फोटो एडिट किया हुआ है और इसका बैकग्राउंड भी रिमूव कर लिया है। तो गाइस, अब चलिए हम इसे एडिट करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ऊपर वाले लेयर को डिलीट कर लेंगे, इसके बाद यहाँ पर हम एक बैकग्राउंड ऐड कर लेंगे। बैकग्राउंड ऐड करने के लिए सिंपली आप फाइल में चले जाइए और यहाँ से ओपन पर क्लिक कर लीजिए और यहाँ से बैकग्राउंड ऐड कर लीजिए। बैकग्राउंड इम्पोर्ट हो चुका है, इसके बाद यहाँ से इसे ड्रैग करके यहाँ पर इसे ड्रॉप कर लेंगे और इसे कुछ इस तरह से रिसाइज करके कंट्रोल टी कमांड प्रेस कीजिए और आपको अल्ट प्रेस करके थोड़ा सा इसे बड़ा कर लेना है। कुछ इस टाइप से आपको रिसाइज कर लेना है, थोड़ा सा और जूम कर लीजिए और ओके कर लीजिए। इतना करने के बाद आपको ऊपर वाला लेयर आपको नीचे कर लेना है, और मॉडल वाले लेयर पे क्लिक करके कंट्रोल टी प्रेस कीजिए और अल्ट प्रेस करके इसे थोड़ा सा छोटा कर लीजिए। कुछ इस तरह से आपको यहाँ पर सेट कर लेना है। थोड़ा सा आप एरो बटन यूज़ करके इसे सेट कर सकते हैं, इसके बाद ओके कर लीजिए। सो गाइस, इतना हो जाने के बाद हम पैर में शेडो क्रिएट कर लेते हैं। शेडो क्रिएट करने के लिए हम एक न्यू लेयर ले लेंगे बैकग्राउंड के ऊपर वाले लेयर पर। यहाँ पर हमने न्यू लेयर ले लिया है। अब इसके बाद हम ब्रश टूल पर सेलेक्ट कर लेंगे और ब्रश का साइज़ थोड़ा हम बड़ा कर लेंगे। यहाँ से हम ब्रश का साइज़ बड़ा कर सकते हैं, और इसके बाद ये लेयर को थोड़ा सा हम इस तरह से कस्टमाइज़ कर लेते हैं। यहाँ से आप ये ब्लैक कलर पिक कर लीजिए और लेयर ब्रश का साइज़ थोड़ा सा बड़ा कर लीजिए इस टाइप का, और एक फिर से न्यू लेयर ले लीजिए और इस वाले शूज़ पे भी एक शेडो क्रिएट कर लीजिए। इसके बाद और एक न्यू लेयर लेके हम यहाँ पर इस तरह से कर लेते हैं, और इसका ओपेसिटी थोड़ा सा कम कर देते हैं। तो बस इतना हो जाने के बाद देख सकते हैं हमारा शेडो क्रिएट हो चुका है, और एक शेडो यहाँ पर भी दे देते हैं ताकि और अच्छा रियलिस्टिक फील आए। इसके लिए और एक न्यू लेयर ले लेते हैं और वही ब्रश टूल सेलेक्ट करके यहाँ पर इस तरह से कर देते हैं। इसका थोड़ा सा ओपेसिटी आप कम कर लीजिए। तो बस इतना हो जाने के बाद हम बैकग्राउंड से मॉडल को मैच करवाते हैं। सबसे पहले उसके लिए आप एडजस्टमेंट टूल पर चले जाइए और यहाँ से सिलेक्टिव कलर पर चले जाइए। इसके बाद हम यहाँ पर ब्लू कलर वाले सेक्शन पर आ जाते हैं और यहाँ से इसको कुछ इस तरह से हम इसे मैच कराते हैं। सो गाइस, हमारा बैकग्राउंड और मॉडल थोड़ा सा मैच लग रहा है। अब इसके बाद फिर से हम एक एडजस्टमेंट टूल ले लेते हैं, यहाँ से सिलेक्टिव कलर ले लेते हैं और यहाँ से सैन कलर चूज़ कर लेते हैं। इसके बाद इसे भी थोड़ा सा कुछ इस तरह से हम मैच कराते हैं। तो वही इतना हो जाने के बाद मॉडल वाले लेयर पे क्लिक कर लीजिए, फिल्टर पे चले जाना है और यहाँ से कैमरा फिल्टर ओपन कर लेना है। इसके बाद सबसे ऊपर चले जाना है और यहाँ से आपको ब्लैक थोड़ा सा डिक्रीज कर लेना है, शेडोज भी डिक्रीज कर लेना है, कंट्रास्ट थोड़ा सा इंक्रीज़ कर लीजिए, और आपको नीचे चले आना है HSL में। और HSL में आने के बाद आपको सेचुरेशन ऑरेंज कलर का थोड़ा सा डिक्रीज़ कर लेना है, लुमिनेंस इंक्रीज़ कर लीजिए, रेड भी थोड़ा सा इंक्रीज़ कर लीजिए, और ब्लू का और एक्वा का थोड़ा सा सेचुरेशन इंक्रीज़ कर लीजिए। इतना हो जाने के बाद आप ओके कर लीजिए। सो गाइस, अब हम एक कर्व ले लेते हैं। आपको एडजस्टमेंट टूल में चले जाना है और यहाँ से कर्व ले लेना है, और कर्व में आप मिड टोन से थोड़ा सा इसको ऊपर ले आइए और आप क्लिपिंग मास्क पर क्लिक कर लीजिए। यहाँ पर आ चुका है, अब इसे हाइड कर लीजिए और आपको कंट्रोल आई प्रेस करना है। इसके बाद देख सकते हैं लाइट इधर से एंटर हो रहा है, तो यहाँ पर हम थोड़ा सा रिम लाइट जैसा कुछ क्रिएट कर लेते हैं। आपको ब्रश टूल ले लेना है, आपको नॉर्मल ब्रश चूज़ कर लेना है। कुछ इस तरह से हम यहाँ पर इसे
ड्रॉ कर लेते हैं, इससे हमारा थोड़ा रिंग लाइट क्रिएट हो जाए। थोड़ा सा थ्रेडी कम कर लेते हैं और यहाँ पर सोच इतना हो जाने के बाद हम एक डस्ट पार्टिकल वाला पेंच ले लेते हैं। तो उसके लिए आपको फाइल में जाकर ओपन कर लेना है और यहाँ से इसे इंपोर्ट कर लेना है। यहाँ पर इसे रख दीजिए, उसके बाद आपको कंट्रोल एल प्रेस करना है और इधर से थोड़ा सा इसे इंक्रीज कर लेना है। इसके बाद इसका ब्लेंडिंग मोड आप स्क्रीन पर रख लीजिए और इसके बाद कंट्रोल टी प्रेस करना है और यहाँ पर इसे ऐसा सेट कर लेना है। तो गाइस इतना हो जाने के बाद सबसे ऊपर वाले लेयर पर क्लिक कीजिए और यहाँ से हम ग्रेडियंट ले लेते हैं, इस वाले ग्रेडियंट को ले लेते हैं और इसका आपको थोड़ा सा इंक्रीज कर लेना है स्केल। और यहाँ से आप इसे रेडियल क्लिक कर लीजिए और यहाँ से रिवर्स कर लीजिए। इतना कर लेने के बाद आपको ओके कर लेना है और यहाँ पर व्हाइट वाले कलर मास्क पे चले जाना है और फिर से ब्रश टूल सेलेक्ट कर लीजिए। फिर यहाँ से आपको ब्लैक कलर चूज़ कर लेना है और कुछ इस तरह से इसे इरेज करते जाइए। सुबह इतना हो जाने के बाद आप सारे लेयर्स को मर्ज कर लीजिए और एक न्यू लेयर ले लीजिए। इसके बाद हम इसे यहाँ से ग्रेडियंट ले लेते हैं और एक ग्रेडियंट इधर से हम इस तरह से क्रिएट कर लेंगे। इसके बाद आप कंट्रोल टी प्रेस करना है आपको और इसे अल्ट प्रेस करके थोड़ा सा बड़ा कर लीजिए और इसको थोड़ा सा नीचे को इस तरह से सेट कर लीजिए। इतना हो जाने के बाद आप इस लेयर को भी मर्ज कर लीजिए और एक न्यू लेयर ले लीजिए कंट्रोल जे प्रेस करके, इसका डुप्लीकेट क्रिएट हो जाएगा। इसके बाद आप फिल्टर पर जाइए और कैमरा फिल्टर ओपन कर लीजिए। इतना हो जाने के बाद आपको यहाँ पर फिल्टर में चले जाना है और यहाँ से एक लिनियर ग्रेडियंट का फिल्टर ले लेना है। कुछ इस तरह से इधर से ले लेंगे, इधर से लाइट इंटर हो रहा है इसलिए यहाँ पर एक्सपोजर इंक्रीज कर लीजिए और एक नीचे से ले लीजिए इसी तरह से और इसका एक्सपोजर थोड़ा सा कम कर लीजिए। इधर से भी एक ग्रेडियंट फिल्टर ले लीजिए और थोड़ा सा इसका भी एक्सपोजर कम कर लीजिए। अब ओके कर लेना है आपको। इतना हो जाने के बाद आपको दोनों लेयर्स को मर्ज कर लेना है। इसके बाद आप फिर से कैमरा का फिल्टर ओपन कर लीजिए और यहाँ से आपको ऊपर चले जाना है और यहाँ से आपको डीएज सेट कर लेना है। थोड़ा सा डीएज इंक्रीज कर लीजिए, थोड़ा सा क्लैरिटी इंक्रीज कर लीजिए, थोड़ा सा टेक्सचर इंक्रीज कर लीजिए। आप अपने फोटो के हिसाब से कर सकते हैं, इतना ठीक है। और इसके बाद ओके कर लीजिए। सो गाइस हमारा फ़ोटो जो है एडिट हो चुका है। हमारा फ़ोटो पहले कुछ इस तरह का था, हमने एडिट करके कुछ इस तरह से क्रिएट कर लिया है। सो गाइस अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अगर आपने मेरे चैनल अभी सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। और ऐसे ही ट्यूटोरियल्स के लिए भी मेरे साथ बने रहिए। आज के लिए बस इतना ही। बाय।